स्वागत कर रहा हूं मैं आपका मुंबई से। जी हाँ, पिछले ब्लॉग में अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो पिछले ब्लॉग में मैं उत्तराखंड से आ गया था अपने गांव और वहां से अब आ गया हूं बॉम्बे। आखिरी वीडियो है ये उत्तराखंड सीरीज़ का और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ जो मेरी 19 दिन की उत्तराखंड ट्रिप थी उसके खर्च के बारे में। जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो कई लोग बोल रहे थे कि खर्च के बारे में बताइए, बजट का वीडियो बनाइएगा, तो मैं हाज़िर हूँ बजट का वीडियो लेकर के। थंबनेल देख करके आप जान ही गए होंगे कि मेरा कितना रुपया खर्च हुआ है 19 दिन की हिमालयन ट्रिप पर। तो जी हाँ, 14,500 रुपये पूरे मेरे खर्च हुए हैं। अब डिटेल में बात करते हैं कि 14,500 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए। इसके लिए टोटल खर्च को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला गेस्ट हाउस का खर्च, दूसरा खाने पीने का, तीसरा ट्रांसपोर्ट का और चौथा अदर्स। तो सबसे पहले बात होटल के खर्च की। इन 19 दिन के दौरान रुकने पर कुल 4,275 रुपए खर्च हुए। 18 अक्टूबर 2020 को लखनऊ से इस जर्नी स्टार्ट हुई थी। 18 की रात ट्रेन में बीती। इस तरह सबसे पहला होटल 19 तारीख को यमुनोत्री धाम के बेस कैंप जानकी चट्टी में लिया। यमुना जी के किनारे होटल यमुना दर्शन में हमें सिर्फ 200 रुपए का रूम मिल गया। यहाँ दो रात मीन्स 19 और 20 को रुके। अगले दिन गंगोत्री धाम पहुंच गए। यहाँ चार रातें 21 से लेकर 24 तक रहे। गंगा मंदिर से 200 मीटर पहले मौजूद कीर्ति लोक गेस्ट हाउस में एक रात का चार्ज 250 रुपए था। और ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, कीर्ति लोक गेस्ट हाउस, और इन्हीं का ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर अभी हम डिनर करेंगे। गंगोत्री के बाद उत्तरकाशी में दो रात रुके। यहाँ बस स्टैंड के पास भंडारी होटल में सिंगल बेडरूम लिया जिसका एक रात का किराया 200 रुपए था। 27 तारीख को उत्तरकाशी से केदारनाथ जी के बेस कैंप सोनप्रयाग पहुंच गए। यहां होटल विजय पैलेस में 300 रुपए का रूम मिला। 28 की सुबह सोनप्रयाग से ट्रैक करके देर शाम केदारनाथ धाम पहुंच गए। यहां एक टेंट साइट में स्लीपिंग बैग के अंदर रात गुजारी जिसके लिए 300 रुपए चार्ज लगा। स्लीपिंग बैग में सोने का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा। तो बाय बाय, गुड नाइट, कल दर्शन करेंगे बाबा भोलेनाथ के, अपना ख्याल रखिएगा। 19 को सुबह केदारनाथ जी के दर्शन के बाद नीचे उतरकर सोनप्रयाग के उसी होटल विजय पैलेस में रुके जहां एक दिन पहले रुके थे। 30 तारीख को गुप्तकाशी और ऊखी मठ दर्शन के बाद शाम को चोपता पहुंच गए। यहां शेयर बेसिस पर 5 लोगों ने 25 रुपए का 5 बेड वाला रूम ले लिया। इस तरह रूम चार्ज 500 रुपए पर हेड पड़ा। 31 अक्टूबर को चोपता से गोपेश्वर पहुंचकर होटल देव दर्शन पर रुके। 4 लोगों ने शेयर बेसिस पर 500 रुपए का रूम लिया जो कि 125 रुपए पर हेड पड़ा। 1 नवंबर की शाम बद्रीधाम पहुंच गए। यहां श्री गीता मंदिर धर्मशाला में 600 रुपए का रूम लिया जिसमें मैं और ऋषभ रुके। ऋषभ बद्रीधाम आने वाली टैक्सी में मिला था। 2 अक्टूबर को बद्रीधाम में एक दूसरा रूम तोदी सेवा सदन में लिया जो 400 रुपए का मिला। 3 अक्टूबर को ऋषिकेश पहुंचकर भारत साधु समाज में हम और ऋषभ रुके, रूम का चार्ज 300 रुपए था। 4 अक्टूबर को ऋषिकेश के वानप्रस्थ आश्रम में 300 रुपए पर डे के हिसाब से 2 दिन के लिए रूम लिया। 5 नवंबर की शाम को हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर रिटर्न आ गए। इस तरह टोटल 4,275 रुपए रुकने में खर्च हुए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी यानी पेट पूजा में हुए खर्च की। उत्तराखंड में खाना पीना बेहद सस्ता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 19 दिन में खाना नाश्ता चाय पानी दूध में कुल मिलाकर 4,500 रुपए खर्च हुए। इसका एवरेज निकालें तो ये 240 रुपए पर डे हुआ। अब बात ट्रांसपोर्टेशन पर हुए खर्च की। मेरी ये पूरी यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थी। मोटे तौर पर पहाड़ों में बस का किराया 1.80 रुपए प्रति किलोमीटर जबकि शेयर्ड टैक्सी का किराया 2.30 रुपए पर किलोमीटर के करीब रहा। इस तरह उत्तराखंड में टोटल 3640 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हुए। मैंने यह जर्नी लखनऊ से स्टार्ट की थी और वापसी में अपने गांव सुमेरपुर लौटा था। इसके लिए अप एंड डाउन का 1000 रुपए ट्रेन टिकट में लगा। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन में सब मिलाकर 4,660 रुपए खर्च हुए। अब बात चौथे और आखिरी खर्च की जो है अदर्स। यात्रा के दौरान छोटे मोटे खर्च में 1,065 रुपए खर्च हुए। दवा, मफलर, ग्लव्स, क्लॉक रूम, एंट्री टिकट जैसे फुटकर खर्च इसमें शामिल हैं। इस तरह अगर चारों खर्चों को जोड़ दें तो ये टोटल होता है 14,500 रुपए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बता दूं, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मकड़ी की वीडियोस डालता हूं। तो आप अगर मकड़ी के शौकीन हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।